दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए फूड साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वृद्धि ऊर्जा मरम्मत और रखरखाव के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रेट, पोषण, कैलोरी या फिर फैटी एसिड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, पोषण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ के रूप में घटक है बताइए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, रेशा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रेशा होता है, रेशा हो जाएगा, रेशा रेशा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित में से किसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, खनिज, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, वसा और खनिज बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से एक सूक्ष्म पोषक तत्व है बताइए? विटामिन और खनिज, प्रोटीन और विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो प्रोटीन एवं खनिज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन और खनिज होने हो जाएगा, विटामिन और खनिज हो जाएगा। ठीक, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन खनिज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भोजन के किन घटकों को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज पदार्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर बॉडी बिल्डर कहते हैं प्रोटीन को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का है बताइए? प्रोटीन बसा, कार्बोहाइड्रेट बसा, प्रोटीन और विटामिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट बसा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसे मेटाबॉलिक नियामक कहा जाता है? विटामिन और खनिज, विटामिन और पानी, खनिज और रोंदे, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बताइए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन और खनिज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पादक है? देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, पानी। तो इसमें राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट में मौजूद तत्व कौन से होते हैं बताइए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का तकटाल स्रोत है बताइए? शर्करा, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च। तो इसमें करंट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा का स्रोत है शर्करा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गाय, भैंस और बकरी के दूध के मुकाबले मानव दूध में अधिक पाया जाता है? लेक्टोज, फ्रक्टोज, हाँ आप स्टार्च, सेलुलोज। तो इसमें करंट आंसर हो जाएगा लेक्टोज, ज़्यादा पाया जाता है लेक्टोज। ठीक, निम्नलिखित देखिए 17 नंबर पर देखिए। निम्नलिखित से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है बताइए? मोनोसेकेराइड उदाहरण ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, हाँ हाँ गैलेक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोज और सेलुलोज। में आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये सब होते हैं फ्रक्टोज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोसेकेराइड कितने शर्करा अणु से बनते हैं मोनोसेकेराइड? दो चीनी अणु, एक चीनी अणु या तीन चीनी अणु, पांच चीनी अणु। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक चीनी अणु से मिलकर बनता है। कितने? एक चीनी अणु से मिलकर बनता है मोनोसेकेराइड शर्करा। ओलिगो सेकेराइड कितने अणु चीनी अणु से मिलकर बनते हैं? दो से पाँच मोनोशुगर, तीन से छः मोनोशुगर या दो से दस मोनोशुगर या पाँच से दस मोनोशुगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दो से दस मोनोशुगर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक ओलिगोसेकेराइड डिसाकाराइड्स के उदाहरण है बताइए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेप्रिन, ये सब हैं। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज और काइटिन। ठीक,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।